डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आप सब लोगों को मेरा हॉस। जैसे मैंने आपको उस दिन थ्री पंच चलाना बताया था, मतलब हम किसी को अटैक करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था मिडिल, अपर, डाउन। अब मैं आपको सिखाऊंगी जब हमारे कोई पंच मारेगा तो हम उससे ब्लॉक कैसे करेंगे। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी ब्लॉक्स। इसका नेम मीन्स है ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, मिडिल, अपर, डाउन। बस प्रैक्टिस आपको यह करनी है कि आपकी बॉडी में ब्लॉक्स करते हुए आपकी जो बॉडी है वो एकदम एक्टिव होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। फर्स्टली आपको मैं बताती हूँ, आपको क्रॉस वाइज अपने हैंड रखना है। हैंड रखने के बाद आपको ब्लॉक्स चलाना है। कुछ ये ऐसा क्रॉस वाइज रखेंगे, वन हैंड को इस टाइप से स्पेस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। फर्स्टली आपको हैंड अपना ऐसे में रखना है। कुछ बच्चे ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है उसको, ऐसे रखना। ऐसे रखेंगे तब स्पीड निकलेगी, अगर ऐसे ही रखेंगे तो स्पीड कैसे निकलेगी। ठीक है, फर्स्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये ब्लॉक हम जब यूज करेंगे जब हमारे कोई पंच मारता है, ऐसे पंच मारा उसने हमारे यूं करके, तो हमने उसको ब्लॉक किया यूं करके। अब हमने सेकंड क्या करेंगे, सेकंड अगर हमारे फेस पे किसी ने यहां अटैक किया हमारे माथे पे, तो उसको हम कैसे रोकेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब थर्ड, अगर हमारे कोई पैरों को टच करता है, पैरों पे अगर हमारे कोई मारता है पंच वगैरह या कोई इस तरीके से धक्का दे देते हैं नीचे से, तो उसको हम कैसे ब्लॉक करेंगे। उसको हम ब्लॉक करेंगे, हमें अपने हैंड ऐसे रखने हैं, ऐसे रखने का हमें अपना हैंड ऐसे लेके आना है। वन हैंड हमारा नीचे रहेगा एंड वन हैंड हमारा साइड में जाएगा। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, हैया। तो आज मैंने आपको पंच के साथ साथ आपको ब्लॉकिंग करना सिखाई। तो ये ब्लॉक करें आप मिडिल, अपर, डाउन। ब्लॉक्स को हम जापानीज में उके कहते हैं, उके, ओके, उके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और करना बताऊंगी। बस स्टे होम, स्टे सेफ।